हॅलो मित्रांनो आज आपण बघणारे मंगेश पाडगावकर यांची कविता नाटक फस्ते ओके okay? तर ही कविता आहे एक मुलगा आहे छोटासा आणि त्याची आई यांच्याबद्दल त्यांनी काय लिहिलं आहे ते आपण आज बघून घेऊयात एन्जॉय इट तर सुरू करूयात भाजलेल्या वांग्याचे भरीत आप सबने भरता खाय आहे बैंगन का भरता ओके वांग्याचे भरित मीन्स बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं उसको सेकना पड़ता है आपकी मम्मी को पता होगा आपको भी पता होगा तो भजलेला मतलब सेके हुए वांग्याचे भरित स्वयंपाक घर स्वयंपाकघर मीन्स किचन आई होती करित आई मीन्स उसकी मम्मा बना रही थी लंगड़त लंगड़त मी तिथे गेलो लंगड़त लंगड़त मीन्स लिंपिंग करते हुए जैसे हमें नहीं पाँव पे लग जाता है तो हमें ठीक से नहीं चलते आता तो हम जैसे तैसे जाते हैं चल के उसी तरह से ये जो बच्चा है अपनी मम्मा के पास कहाँ गया स्वयं पाकघरत किचन में गया रड़त मना लो आई मी मे लो और ऐसे रोने का नाटक करते हुए बोला ओ मम्मा तो मर गया जैसे हमें बहुत जोर से लगती है कोई चीज तो हम बोलते हैं कि मर गया मैं तो तो वैसे उसने बोला तो उसकी मम्मा ने क्या किया माझा कड़े बघुन आई हसली बच्चे की तरफ देख के ममा ने स्माइल किया कि अरे मेरा बेटा आ गया और क्या हुआ इससे ऐसा मला वाटले बच्चे को लगा आता चांगली फसली तो यहाँ हसली और फसली को राइमिंग वर्ड्स बना दिया है तो बच्चे की तरफ देख के मम्मा ने स्माइल किया हसली म्हणजे स्माइल किया मला वाटले आता चांगलीच फसली की अरे लगता है मम्मा ने मेरे नाटक से मेरी मम्मा फस गई तो देखते हैं आगे क्या हुआ अभी बच्चा है अभी मम्मा से बात कर रहा है मी लो थुंकी दाबुन ओठात ऐसे हमें पेन होता है तो ऐसे हम ऐसे करके तो, बात करते हैं ना तो वो भी मम्मा को बोला कि और नाटक कर रहा था पूरा आई माझा कै पोटात ते मीन्स वर्ट उसके पेट में दर्द हो रहा है कल इज काइंड ऑफ पेन उठला पासुन गेलो पाँच वेड़ा जब से मैं सुबह से उठा हूँ तब से गेलो पाँच वेड़ा कहाँ गया वो पाँच मीन्स फाइव टाइम्स जैसे वॉशरूम गया कभी कभी हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमें बार बार वॉशरूम के चक्कर काटना पड़ते हैं तो वो वही अपनी ममा को बता रहा है आई माझा कल ये थे मेरे पेट में दर्द हो रहा है उठल्या पास गे लो पाँच वेड़ा मैं पाँच बार आज वॉशरूम के चक्कर लगा चुका हूँ तरी सुधा थाम लिया ना हित कड़ा बार वॉशरूम जाके आया तरी सुधा फिर भी थाम लिया ना हित कड़ा मेरा जो पेट दर्द है वो तो रुक ही नहीं रहा है कम भी नहीं हो रहा है फारस मुझे फारस दुखते डोके मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है अब बच्चा है नाइव है उसको लग रहा है मैं जितनी ज़्यादा बीमारियाँ बताऊँगा उतनी मेरी मम्मा को सच लगेगी तो क्या बोल रहा है फारस मंजे फारस मंजे बहुत ज़्यादा दुखते डोके मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है जैसे डोक्यात हथोड़ाचे ठोके आपने कभी किसी बड़े को बात करते सुना होगा कि बापरे तो इतना सिर में दर्द हो रहा है जैसे कि कोई हथोड़ी से मार रहा हो राइट तो वैसे भी उसने भी किसी का सुना होगा और वो भी अपनी मम्मा को बता रहा है कि मेरे सिर में तो इतना दर्द हो रहा है जैसे कि सिर में कोई मेरे हथौड़ी से बड़ा बड़ा मार रहा हो एक्चुअली छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा पेन नहीं होता बट वो बच्चा नाइव है उसे पता ही नहीं कि इतना ज़्यादा बच्चों में पेन ही नहीं होता है और सुनो आगे चक्कर एते ओ बच्चा बता रहा है कि मेरा तो सिर भी घूम रहा है चक्कर एते मीन्स वॉट गोल गोल ऐसे सिर घूमता है ना उसको बोलते हैं चक्कर आली सुजला है गड़ा अब सारी बीमारियाँ इसको एक साथ ही हो गई उसके गले में भी स्वेलिंग आ गई है जो हमें सर्दी के समय होती है आमतौर आज वर्गात दिसनार ना ही फड़ा अब इसका क्या लेना देना जैसे किसी का अगर गला खराब है तो उसके आँखों में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी बट होता तो है छोटा सा बच्चा तो क्या बोल रहे हैं मम्मा को चक्कर ये ते सुजला आहे गड़ा। आज वर्गात दिसनार ना ही फड़ा आज मुझे क्लास में वर्गत मुझे क्लास में दिसनार नहीं ही फड़ा मुझे बोर्ड भी नहीं दिखेगा फड़ा मीन्स जिस पे आपके टीचर लिखते हैं इट माइट बी वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड तो मुझे वो भी नहीं दिखेगा मम्मा मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ऐसा वो अपने मम्मा को पटाने की कोशिश कर रहा है चालवत ना ही ऐसा पायात ठंड का कि देखो तो मेरे पाँव भी इतना दर्द कर रहे हैं पायत ठन का मीन्स जब भी वो चल रहा है उसके पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है और उससे चला भी नहीं जा रहा मोडला वाट पाठीचा या मनका चालवत ना ही ऐसा पायात ठन का मोडला वाट पाठीचा या मनका मेरे पाँव तो दुख रहे हैं वो तो एक बात हो गई और ऐसे लग रहा है मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई पाठीचा या मनका मीन्स वर्ट रीढ़ की हड्डी जो हमारी पीठ में होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है है ना तो बच्चा मम्मा को बता रहा है कि मेरे पाँव दुख रहा है एक बात है ऊपर से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है तो सारी बीमारियां जो है वो बच्चे को एक साथ ही हो गई है आगे देखते अब मम्मा क्या बोलेगी मम्मा ये सब ध्यान से सुन रही है तब देखो ममा ने क्या बोला आई मणाली अरे रे फार वाइट जाल तो उसकी मम्मा क्या बोल रही है अरे बहुत बुरा हुआ एक मात्र तुझा कस लक्षत नहीं आल पर बेटा एक बात तो आपके ध्यान में ही नहीं आई लक्षत नहीं आलो मुझे क्या उसके बच्चे के ध्यान में ही नहीं आया क्या नहीं आया बच्चे के ध्यान में आज आहे रविवार आज नहीं शाला रविवार सबका वार उस दिन होता है संडे फंडे और सबको होती है छुट्टी तो आज क्या है बच्चे ने क्या कर दिया रविवार के दिन मम्मा को ये सब बातें बताई और मामा बोलती आज ना ही शाला आज तो स्कूल ही नहीं है सोमवार से नाटक चुकुन आज के लिए बाड़ा मतलब जो मंडे के दिन आपने नाटक करना था सोमवार मतलब मंडे सोमवार को जनरली सबको स्कूल होती है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल नहीं जाना होता है नाटक करना होता है वो ऐसे नाटक करते हैं स्कूल जाने के पहले। चुकून आज है अरे गलती से आज ही आपने नाटक कर दिया कला थामी थोड़े कड़ू औषध देते बच्चे ने बताया था ना मम्मा को बार बार कि अरे मेरे पेट में पेन हो रहा है कला ये तात। तो वो रुकने के लिए अच्छा होने के लिए मम्मा उसकी बता रही है ये देखो मम्मा के हाथ में बॉटल दिख रही है कि तुमको मैं थोड़ी कड़वी दवाई देती हूँ कड़ू औषध मीन्स कड़वी दवाई देते भरित करुण झाल की तुझा अभ्यास कहते तो मम्मा क्या कर रही थी बैंगन का भरता बना रही थी तो मम्मा बता रही कि ये मेरा भरित करुण झाल मीन्स बैंगन का भरता मेरा बना के हो गया कि मैं तुम्हारी पढ़ाई लेती हूँ ओके okay, तुझा अभ्यास घेते मम्मा बोलती है ना जाओ शुरू करो मैं भी तुम्हारी पढ़ाई करवाऊंगी उसी तरह से इसकी मम्मा भी बोल रही है ओके सो दिस वाज अ फनी कॉन्वर्जेशन बिटवीन मम्मा एंड बच्चा तो कभी कभी होता है बेटा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मा को ऐसे समझते हैं कि ओ मैं इतने सारे नाटक करूंगा मम्मा बुद्धू बन जाएगी और मुझे तो स्कूल में ही नहीं भेजेगी पर मम्मा तो स्मार्ट है मम्मा को सब पता है फाइन चलो तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड स्वाध्याय देखेंगे तो स्वाध्याय में हमें सबसे पहले है प्रश्नांची उत्तरे लिहा आई स्वयंपाक घर काय करत होती तर आई स्वयंपाकघरात वांग्याचे भरीत करीत होती ओके okay. आजारपणाचे नाटक का करत होता आजारपण मीन्स बीमार पडणे का नाटक क्यू था बच्चा ऑब्व्हियसली उसको घर पे पेके खेळला होगा है ना हैना उत्तर आहे है, मुलाला शाळेत जायचं नव्हतं म्हणून तो नाटक करत होता मुलांनी केलेले नाटक कसे फसले उत्तर है मुलाला वाटले की सोमवार है तो नाटक करता दिवशी तर रविवारच होता, होता। <laughs> चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो कविता है ये पोयम इसकी लाइंस दिए इनको हमको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमें दिया है भाजले वांग्याचे भरीत और फिर ब्लैंक दिया है और फिर ब्लैंक है और मी तिथे गेलो तो पे क्या पे आएगा, भाजलेल्या वांग्याचे भरीत स्वयंपाक घरात आई होती करीत लंगडत लंगडत मी तिथे गेलो सेकंड आहे माझ्याकडे बघून और फिर ब्लँक है मला वाटले और फिर ब्लँक है माझ्याकडे बघून एनी गेस आई हसली मला वाटले आता चांगलीच फसली फिर हमें तीसरा है तीसरे में हमें ब्लैंक दिया है दुखते डोके और डैश ठोके फार दुखते डोके जसे ढोक हाथोडी ठोके और लास्ट है कला थाम डैश और फिर फिर ब्लैंक जगह दिए और घेते तो कला थाम थोड़े कड़ू औषध देते भरित कर तुझा अभ्यास घेते ओके okay, तो हमारे ये दो क्वेश्चन हो गए अब हमें लिखना है कवितेल यमक जुड़ना शब्द शोधा व लिहा जैसे भरित करित यमक जुड़ना मीन्स राइमिंग वर्ड्स तो जनरली इसकी सबसे इजी ट्रिक है कि जो लाइन के एंड में आते हैं वो अधिकतर राइमिंग वर्ड्स होते हैं बरीत करीत गेलो मेलो फसली हसली ओठात पोटात वेला कड़ा, डोके ठोके गड़ा फड़ा, ठणका मणका शाला बाड़ा घेते, घेल आल फाइनली हमें करना है चित्र पहा वाक्य तैयार करा तो ये दो चित्र दिए है हमें और हम मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस बनाया है ये भी एक गाय का पिक्चर है इसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है हमें तो मैंने एक ही सेंटेंस बनाया यहाँ पे ही आमची गाय आहे जनरली ये आपको क्वेश्चन क्यों दिया जाता है वाक्य तैयार करा कि आप उस चीज़ के चीज़ को देखो उसके बारे में सोचो और आप उस लैंग्वेज में कोई भी चीज़ लिखने का प्रयास करो तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो ही आमची गाय आहे उसके बाद में आप बोल सकते हो ही रंगाची गाय आहे या गाय गळ्यात घंटा है गाय चारा खात है आपको दिख रहा है ना हरे रंग की घास घासकारी है तो गाय चारा खात आहे सो so, आप इस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो अभी दूसरे पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक बच्चा है जो कि ग्लास से कुछ पी रहा है तो मैंने सिंपल एक सेंटेंस बनाया मोहन पानी पीत आहे सो आप इसमें कोई भी चीज़ बना सकते हो कि मोहन चे मित्र तला आवाज देता है ज़रूरी नहीं कि आप इसका नाम मोहन ही रखो आप बोल सकते हो रामला ला आवाज़ दिला राम पानी पीतोए शाम दूध पीतोए सो आप इस टाइप के सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो नेक्स्ट वन अब ये बच्ची हमें दिख रही है जो कि पढ़ाई शायद कर रही कहीं तो बैठ के या फिर ड्राइंग बना रही है यहाँ पे एक बुक दिख रही है हमें ये पार्क में बैठी है बेंच के पास बैठी राइट सो तो बहुत सारी चीजें हैं तो मैंने एक ही सेंटेंस यहाँ भी बनाया राधा बागेत बसुन चित्र काटते आहे तो मुझे इस बच्ची का नाम एक्चुअली नहीं पता है बट मैंने ऐसे हाइपोथेटिकली बोला राधा बागेत बसुन चित्र काटते है आप बोल सकते हो कि आ, मेरी दोस्त ड्राइंग बना रही है ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो और आप कैसे लिखोगे उसे मी काल चित्र काढ़त होते तो दैट इज ऑल्सो ओके दिस कैन बी योर पिक्चर ऑल्सो राइट सो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो अब ये लास्ट पिक्चर में मैं क्या दिख रहा है कुछ बच्चे हैं जो कि पार्क में है पार्क में ऐसा रास्ता है यहाँ पे ट्रीज है वहाँ पे वो पिक्चर चल आ, ये साइकिल चला रहे हैं इस पिक्चर में तो आप बोल सकते हो लहान मुले साइकिल चालवता है कि वह छोटे बहन भाऊ साइकिल वर फिरता है ओके या फिर आप बोल सकते हो संध्या छोटे मुला साइकिल चालवता है